ए बॉय न्यूमेरिकल है बेटा, ए बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर्स फ्रॉम ए बिल्डिंग, 78.4 मीटर्स फ्रॉम ए बिल्डिंग बेटा, एंड देन इट इज गिवन टू यू दैट बेटा ही थ्रोज ए बॉल विच जस्ट एंटर्स, ही थ्रोज ए बॉल विच जस्ट एंटर्स ए विंडो 39.2 मीटर अबव, विच एंटर्स ए विंडो 39.2 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल बेटे। तो ग्राउंड लेवल से बेटे ओनली 39.2 मीटर्स अबव ये एक विंडो में एंटर कर गया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल, आपको बॉल की जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ये रिक्वायर्ड है, ये पूछी गई है। अगर मैं इस बेटे कंसेप्ट के साथ रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटे आ जाएगा, और इमेजिन कर लीजिए ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में हमने ये डिफरेंट डिफरेंट बेटा मान लीजिए इसके फ्लोर्स हैं या कंपार्टमेंट्स आप कह सकते हो, और यहाँ पे एक बॉय ने एक जो है बॉल को थ्रो किया और इनिशियल वेलोसिटी इसकी आप यू कह लीजिए, हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल को हम थीटा बोल देंगे ऑब्वियसली, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि ये बॉय जो है 4 मीटर के डिस्टेंस से इस बिल्डिंग से बेटा, और उसके बाद ये जो बॉल है ये एक विंडो में से एंटर करता हुआ इस तरीके से सेकंड एंड पे चला जाएगा अगर विंडो ओपन है तो। इट डायरेक्टली डिपिक्ट्स दैट बेटा कि रेंज आपका जो ऑब्जेक्ट का है इट इज ट्वाइस ऑफ 78.4, दैट इज इट इज 156.8 मीटर हो गया बेटा, ये चेक करिएगा साथ साथ। और आपको बेटे वर्टिकल हाइट जो है ये विंडो का हाइट 39.2 मीटर्स का बच्चों आपको ये भी दिया गया है। आपको बेटे वेलोसिटी जो है प्रोजेक्शन की ये निकालनी है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो हमारा होता है बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट का एच मैक्सिमम, इसके फॉर्मूला की बात करें अगर, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हम ऑलरेडी बेटे डिस्कस कर चुके हैं, राइट बेटे। अब ये देखिए एच मैक्सिमम आपके पास 39.2 मीटर्स का दिया हुआ है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस 39.2, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बेटे कह देता हूं। सेकेंड स्टेप में आपको ये हॉरिजॉन्टल रेंज दिया गया है, आप रेंज का फॉर्मूला डियर चिल्ड्रन आपके पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है बेटा। अब देखिए रेंज आपका 78.4 का डबल हो रहा, सो यू विल से दैट ट्वाइस 78.4, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसको बेटे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, राइट जी। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए या 1 को 2 से डिवाइड कर लीजिए और आपके पास बेटे यहाँ पे एंगल थीटा बन जाएगा। आइए इसको आगे सॉल्व करके देखें, लेट अस डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी आर गेटिंग। यू स्क्वायर बेटे साइन स्क्वायर थीटा है आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइडेड बाय 2g, जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा ये फैक्टर से तो ये आपका आ जाएगा जी यू स्क्वायर बेटे साइन 2 थीटा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ करता है ना, तो इट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू
एच मैक्सिमम आपके पास 39.2 है और ये ट्वाइस 78.4 है बेटा एस। अब देखिए आपका एक स्मॉल जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, एक साइन थीटा भी कट गया एंड आप ये टू को इसके साथ कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट बेटे, आपके पास फिर बन गया बेटे साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा, यही बचा। सो वी विल से दैट बेटा साइन थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा, ये 39 का डबल ये नीचे डिनोमिनेटर में बेटा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 उत्तर। और बच्चे देखो ये भी आपका कट गया, 2 से 2 कट गया एंड आपका जो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा है इट इज टर्निंग आउट टू बी 1 बेटे। तो ये डायरेक्टली इसका मतलब फिर ये हुआ कि आपका थीटा बेटे कितना हुआ, 45 हो गया बेटा, टेन 45 डिग्री ही 1 होता है ना बेटे, आपका थीटा 45 आपको बेटे मिल गया। अब हमें उन्होंने थीटा निकालने को नहीं कहा, हमें उन्होंने कहा कि आप हमें यू निकाल के बताइए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है बेटा ये आपने कितना लिया है। इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर दीजिए आपको यू स्क्वायर मिल जाएगा। तो आइए बेटे इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, वी विल गेट बेटा ट्वाइस ऑफ दिस 78.4, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड साइन ऑफ 90 हो गया उत्तर, ये 45 का डबल और जी को आपने 9.8 एज सच लिख लिया। और बेटे साइन 90 आपका यूनिटी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं 1 लिख देता हूं या नहीं भी लिख देता यूनिटी एज सच। और यू का स्केयर आपके पास बन गया फिर 278.4 इंटू 9.8, ठीक है जी। और यू उत्तर आपके पास बन गया इनका सबका स्केयर रूट 2 एंड आई थिंक इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, करके देखना इस फैक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करके देखना, इट इज 78.4। यस ओके, सो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, दिस इज 8 इंटू 9.8, ये आपका 78.4 हो गया उत्तर और ये 9.8 आपने ऐसे लिख दिया। अब 2 और 8 आपका ये 16 हो जाएगा एंड डियर चिल्ड्रन वी विल बी गेटिंग दैट स्मॉल u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 8 16, 9.8 का स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे इट विल बी 4 इंटू 9.8, कितना बना पुत्र, ये जरा चेक करिएगा 40 के करीब बन जाना चाहिए ये आपका 39 point something आएगा। हाँ जी 39.2 meters per second बेटा। सो इन दिस वे बेटे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। डियर स्टूडेंट्स मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं, आपका जो पैटर्न है जिसमें हमें लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएंगे तो पता नहीं इजीली हो जाएंगे, ये आपका एमसीक्यू ही था पूछा गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कल आपका जो रिविजन टेस्ट हुआ है। तो यू कैन सी दैट बेटे कि 5 मिनट लगते हैं, आपने कभी भी ऐसा सोच के नहीं चलना कि बस आ गया जी टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। रफ पेज अपना आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको उसको थोड़ा सा टाइम डिवोट करके सॉल्व करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा बेटे राधा, राइट जी बेटा। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटे, प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड है, आइए इसको भी कंप्लीट करें। प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटे, इधर बेटे सबको क्लियर है, अंजलि ख्याति मंजोत नमन प्रभनु दिया गुरसिंगन आदिति हरमन रमन, ओके बेटे वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया काम करते जाइए।
और अपनी पढ़ाई करते जाइए, दैट्स गुड। इसके बाद बेटे छोटा सा प्रॉब्लम आपके लिए, मैं भी सॉल्व करूंगा आप भी करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, डियर चिल्ड्रन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दीज आर बेटे इक्वल। तो बच्चों करना इसमें कुछ खास नहीं है, रेंज का और हाइट का फॉर्मूला लिखकर इनको इक्वेट कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जो फैक्टर्स कट हो रहे हैं उनको कट कर दीजिए, जरा लगाइए एक मिनट सारे स्टूडेंट्स, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग। दिया बेटा स्टार्ट सॉल्विंग, रेंज का और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखिए। मैक्सिमम हाइट हमारा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, एंड आपका जो अदरवाइज है रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आ जाएगा, एंड इट्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, इट इज यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये बेटे जी कट जाएगा, यू स्क्वायर भी आपका पुत्र कट गया, एक साइन थीटा भी कट गया बेटा, और आपके पास फिर बचा क्या, ये एक कट गया है एक रह गया है, ये कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में बेटा, आपके पास बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ एंगल थीटा, इट इज इक्वल टू फोर। जरा चेक करिएगा बेटे, ऐसा ही है, देखना बेटे जरा करके, ये फोर के बराबर ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार बेटे कैलकुलेशन अपनी। सो इट विल मीन कि टेन थीटा आपका फोर आ गया बेटा, और थीटा आपका डियर चिल्ड्रन टेन इनवर्स फोर आ जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास लॉग टेबल है तो आप लॉग टेबल से देख लो कि कौन से थीटा की वैल्यू इतनी आ रही है, तो वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे उन्होंने लिखा पड़ा है 75 degree 58 minute बेटा, तो ये एंगल मेरे पास उन्होंने दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा बेटे यहाँ पे, और अकॉर्डिंगली हमें इसको देखना भी पड़ेगा। क्लियर टू ऑल बेटा? देन बेटे एक और प्रॉब्लम है, छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दैट वंस अगेन। आपको दिया गया है, लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू बेटा, आइए देखें हमें किस तरीके से उन्होंने क्या दिया है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड बेटा, एक बॉडी है, इट इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड बेटा, देन व्हाट इज गिवन टू अस मोर, आफ्टर 2 सेकंड्स इट क्रॉसेस ए वर्टिकल पोल, 2 सेकंड्स के बाद इट क्रॉसेस ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल का पोल का मतलब है बेटे वर्टिकल हाइट से हो गया ना आपका, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर्स बेटा, वर्टिकल पोल की हाइट 20.4 मीटर्स आपको दे रखी है, और कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड दिया गया है। मैं रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड्स बेटा, आफ्टर 2 सेकंड्स इट क्रॉसेस ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर्स, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बेटे। तो दो चीजें आपको बेटे पूछी गई हैं, और यहाँ पे बेटे एक चीज ध्यान से देखिएगा,
आपको उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये आपकी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा स्टेटमेंट, राइट बेटा? इट मींस दैट बेटा हम अपना जो वर्टिकल कंपोनेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट वाज वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वी विल हैव टू यूज दिस वन बेटा, चेक करिएगा, यही लिखा था ना हमने बेटा। और आप वाई नॉट को तो बेटे ओरिजिन ही कहा करते हो, तो इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ बेटा, और इसमें आप अपनी वैल्यूज पुट कर दीजिए, टी आपके पास है, यू आपके पास है, लेकिन आपको एंगल नहीं पता है ना बेटा, आपको कहा गया है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेटी निकालना है, राइट जी? थोड़ा सा देखिएगा, असल में उन्होंने आपको सिचुएशन कैसी दी है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, राइट? और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको एक उन्होंने बेटा प्रोजेक्टाइल दे रखा है, ये प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू एज इट इज इंडिकेटेड टू यू इन द डायग्राम एस, एंगल थीटा आपको नहीं पता कितना है, लेकिन यहाँ पे एक 2 मीटर हाइट का, नहीं सॉरी 20.4 मीटर हाइट का पोल है, इस पोल पे आपका जो प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, हमें कुछ नहीं दिया, ये वर्टिकल हाइट है मैक्सिमम या क्या है, हम अंदाजे से ही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि समथिंग लाइक दिस मस्ट हैव बीन देयर। अगर ये यू है तो पुत्र इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होना चाहिए, एंड वर्टिकल कंपोनेंट बेटे इसका यू साइन थीटा होना चाहिए, और हम बेटे देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ही इक्वेशन का ले रहे हैं, इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वाई आपको दिया गया है 20.4 का, यू वाई इट इज बेटे इक्वल टू सी दिस यू वाई, ये आपके पास बेटे यू साइन थीटा है, और देन बेटे आपको उन्होंने दिया है 1/2 एस सच, ए वाई आपका माइनस जी आ जाएगा, एंड टी आपका बेटे ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे इंटू 2 भी आएगा साथ में, 2 आपने मिस कर दिया हमने, तो वी आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाई सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज बेटे। सो हम बेटे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है, 20.4 दिस इज यू आपका 40 था, इंटू 2 भी कर दीजिए साथ में साइन थीटा है, और जी आपको उन्होंने 9.8 दे रखा है ऑलरेडी, तो ये 4.9 आ गया जी, इंटू 4 आ गया बेटा, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, दिस इज 20.4, इट इज 80 साइन थीटा माइनस 19.6 आएगा, जरा चेक करना है ना बेटा, इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा 80 साइन थीटा 20.4 प्लस 19.6 हो गया जी, एंड डियर चिल्ड्रन ये आपका बन गया 40 बन रहा है, पूरा चेक करना जरा बेटा, है ना, और चेक कर लीजिएगा 40 है ना बेटे। सो अगर ये 40 है तो बेटा डियर स्टूडेंट्स वी विल बी हैविंग दैट हमारा साइन थीटा जो है इट इज 40 अपॉन 80 इज 1/2, कितना साइन ऑफ एंगल थीटा बेटे 1/2 होता है, साइन ऑफ कौन सा एंगल हाफ होता है, 30, 60, 45 के 90, हाँ जी दिया कितना साइन, हाँ जी आदित्य बताओ,
साइन 30। हाँ जी बिल्कुल ठीक बेटे अदिति, इट मींस कि थीटा आपका 30 डिग्री आ गया। वेरी नाइस बेटे। अब ये वैल्यू आप बेटे पुट कर दीजिए अपनी, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज उन्होंने पूछी है ना सेकंड में बेटा, आपको कहा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी निकालिए। तो अभी देखिए हमारे पास सारे पैरामीटर्स बेटे निकल गए हैं, तो वी विल बी जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास आ गया जी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यू आपके पास बेटे था 40 था ना बेटा, 40 का स्क्वायर आ गया पुत्र। एंड साइन ऑफ 60 आ गया जी अदिति, साइन 60 कितना होगा पुत्र अदिति? साइंस √3/2। वेरी गुड राइट जी। अब वैल्यूज पुट कर देनी, अब खत्म हो गया काम। हॉरिजॉन्टल रेंज बन गया 40 × 40 √3/2 और ये बेटे 9.8। अब आप फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए, रूट थ्री आपका 1.732 होता है, इट्स वेल नोन टू यू ऑल, जल्दी से करके देख लीजिएगा बेटा कितना आ रहा है, जरा चेक कर लीजिएगा बेटे सारे बच्चे। बेटे चेक करिएगा कितना आ रहा है आपका ये रिजल्ट। कर लोगे बेटे सारे स्टूडेंट्स अपने आप ही हो जाएगा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेटे वेक्टर का बहुत बार क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछा गया है, वो हमारा कल डिस्कस करना रह गया था, तो आई विल बी फोकसिंग अपॉन दैट प्रेजेंटली। आइए बेटे इसको सॉल्व करके देखते हैं, आई रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू बेटा। आपको कहा गया है एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस, लिख सकते हो आप बेटे एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्ट, दीज फोर्सेस एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज 3P² + Q² √। रिजल्टेंट इज 3P² + Q² अंडर द रूट। ये दो फोर्सेस आपको दे रखी हैं, कितने एंगल पे एक्ट करेंगी ताकि रिजल्टेंट कितना बन जाए बेटा। तो डियर चिल्ड्रन F1 को मैं P + Q कह देता हूं, F2 को मैं P - Q बेटे कह देता हूं। रिजल्टेंट आपके पास ऑलरेडी ये है ही है, रिजल्टेंट के लिए हमारा फॉर्मूला बेटे क्या था, रिजल्टेंट आर जो है दैट इज F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1F2 cos theta ऑल अंडर द रूट, यही था। अब तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज ही है बेटा, दिस इज देन 3P² + Q² ऑल अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू यूर स्केयर रूट ऑफ P + Q का स्केयर P - Q का स्केयर 2P + Q P - Q into cos of एंगल थीटा जी। ये रूट से रूट कट गया, ठीक। वी विल हैव 3P² + Q² ये बन गया जी P² + Q²
टू पी क्यू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, और ये आपके पास बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन गई. सो इट विल बी टू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. क्योंकि ये चीज बनी, जरा चेक करिए, ये तो दो फैक्टर सब आपस में कट गए, नेगेटिव पॉजिटिव हैं. और लेट अस सी व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ. बेटा आपके पास जो चीज बच गई है, पी स्क्वायर एक ये है, एक ये है, ये टू पी स्क्वायर हो गया लेफ्ट राइट साइड पे. लेफ्ट साइड मेरे पास थी थ्री पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट साइड पे टू पी स्क्वायर आ गया जी. क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर बेटा, इट इज टू क्यू स्क्वायर बेटे. और ये टर्म साथ में है प्लस टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. जरा चेक करिएगा बेटे, ऐसा ही है उत्तर. अब ये जो टर्म्स जिनके पास ट्रिग्नोमेट्रिक साथ इनकी कोई भी कंपोनेंट नहीं, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं. ये थ्री पी स्क्वायर है, इसमें से टू पी स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा बेटा. इट विल बी सिंपली देन पी स्क्वायर. ये क्यू स्क्वायर है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर बेटा. ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास है टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ एंगल थीटा. डियर चिल्ड्रन, और बच्चों देखो फिर कॉस थीटा कितना बन गया जी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. ये देखिए सारा ही कट गया राइट. और कॉस ऑफ एंगल थीटा बेटे वन बाई टू. और बेटे अंजलि व्हाट इज थीटा इक्वल टू देन? सर 60. 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक बेटा. तो आपकी ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दीज आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर राइट बेटा. सारे स्टूडेंट्स को पुत्र समझ आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को बेटा? एक और है बेटा वेक्टर्स के साथ रिलेटेड, दैट आल्सो आई वाज प्लानिंग टू डिस्कस बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इन द लास्ट पीरियड वी वर अनएबल टू कंप्लीट दैट बेटा. तो एक बड़ा जरूरी टाइप का क्वेश्चन है, आपके वेक्टर्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है वो भी. आइए बच्चों उसको भी कंप्लीट करके देखें. आपको क्वेश्चन दिया गया है बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स. लिख लीजिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप बेटा प्लस 4k कैप. मैं इनको बेटे अपनी कन्वीनियंस के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर कह देता हूं. उन्होंने कहा है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स. एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड ऑल? राइट स्टार्टिंग फ्रॉम अंजलि, आपको अदिति, सबका नाम ही ले पा रहा हूं मैं. अंजलि से स्टार्ट होकर अदिति तक सारे बच्चे, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बेटे? We are to calculate or find the unit vector perpendicular to both of these vectors. आप बताओ पुत्र. नहीं, अंजलि, जैकलिन, ख्याति, मंजोत. So, अंजी, A और B का dot vector unit vector unit के equal होगा. A और B का dot vector. डॉट वेक्टर ले लिया फिर वो बेटे. एक मिनट पुत्र, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो तो वेक्टर नहीं होगा, वो तो स्केलर क्वांटिटी होगी, दैट विल बी ए प्योर नंबर. तो हमें तो वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट विल नॉट वर्क बेटा. सर क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है.
आप कह लीजिए बेटे लेट सी वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है जी। तो इट विल मीन दैट कि सी वेक्टर फिर आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया बेटा। आइए करके देखें मेरे साथ साथ, आप भी कंप्लीट करिएगा बेटा। आई जे के 3 1 2 पुत्र 2 -2 and 4 राइट जी। सो ये सी वेक्टर आपके पास बेटे आ गया जी आई कैप, ऐसे कर लीजिएगा 4 + 4 = 8 माइनस जे कैप ऐसे कर लीजिएगा 12 - 4 = 8 प्लस के कैप ऐसे कर लीजिएगा -6 - 2 - 8 चेक करिए यही आता है ठीक। 8 सी वेक्टर आपके पास आ गया 8 i कैप - 8 j कैप - 8 k कैप। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ये आ गया 2√ कितना बना जरा चेक करना बेटा। ऐसे आ जाएगा ना पुत्र, मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ 1 + 1 + 1 कर देता हूँ ठीक है जी। और आपको अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर के लिए आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो पी कैप पी वेक्टर बाई बॉल सी वेक्टर आएगा पी वेक्टर का 8 i कैप - 8 j कैप - 8 k कैप डिवाइडेड बाई 8√3 एंड सी कैप बन गया 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सारे बच्चे चेक करके बताइए यू आर गेटिंग इट और नॉट सारे फिगर्स। बेटे सबको पता चल गया सर एक बार रिपीट कर दो। बेटे देखो पहले स्टेप में हमने ए और बी वेक्टर का बेटे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो क्रॉस प्रोडक्ट बेटे वेक्टर प्रोडक्ट होता है और आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो सी निकला था वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आपको उन्होंने कहा कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो फिर आपने इस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। समझ आ गई पुत्र? यस बेटा। अदिति यस सर आ गया सर। सो बेटे डियर चिल्ड्रन ये बहुत जरूरी न्यूमेरिकल्स थे जो मैं जरूर करवाना चाहता था। बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा कोई दिक्कत आएगी मुझे बताइएगा। अदरवाइज बेटे कल फिर मैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करके देन उसको थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेटे ठीक है जी। बेटा आपका नेक्स्ट वीक का टाइम ओके बेटे थैंक यू बेटा।